मैं आशा, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा कल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई क्षेत्रों में एक आक्रोश रैली निकाली गई। इस्लामी कट्टरपंथी द्वारा हिंदुओं एवं मंदिरों पर लगातार हमले होने के विरोध में किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया, जिसका नेतृत्व विश्व हिंदू परिषद, हिंदू राष्ट्र शक्ति, वनवासी कल्याण आश्रम, हिंदू सेवा संघ आदि जैसे कई अलग अलग हिंदू संगठनों द्वारा किया गया। यह रैली राधा कृष्णा टेम्पल जंगलीघाट से तिरंगा पार्क तक निकाली गई। हमारे संवाददाता द्वारा इस रैली में भाग लेने वाले लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि इस रैली का क्या उद्देश्य था। नमस्कार, मैं हूँ रोहित। आज हम आइए VHP द्वारा, विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया है, तो उसी विषय में हम आपको दिखाएंगे कि रैली में क्या क्या हुआ और किस मुद्दे के लिए वो रैली को निकाला गया। नमस्कार, अब हम इस विषय में हिंदू सेवा संघ के प्रेसिडेंट अभय जी सी से हम बात करेंगे। सर, इस विषय में कुछ बताइए। आज के विषय में आज हम लोग यहाँ पे आक्रोश रैली में आए थे और ये आक्रोश रैली बांग्लादेश में जो हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है और वहाँ पे मंदिर तोड़ा गया, खासकर जब दुर्गा पूजा पंडाल जब पूजा शुरू हुआ था तब से जो ये वहाँ पे सिलसिला जारी है, उसके विरोध में हम अपना यहाँ दर्ज कराने के लिए जो सभी हिंदू संगठन लोग आए थे उनके सहयोग के लिए हम लोग भी आज आके यहाँ पे खड़े हैं और हम चाहते हैं कि भारत सरकार इसको लेके जितना भी प्रखर रूप से हो सके वहाँ के सरकार को बताए कि हिंदू के ऊपर में कहीं पे भी विश्व में अत्याचार ना हो और हमारा धर्म जो एक सर्वधर्म संभव वाला धर्म है और हम एक दूसरे का इज्जत करके रहते हुए पूरे अभी तक रह के आए हुए हैं और हमारा यही अध्याय भी यही है, उद्देश्य भी यही है कि बाकी भी धर्म वाले हमारा भी इज्जत करें और उनको हमें सम्मान के साथ रहने दिया जाए बाकी देशों में भी। सर, और प्रशासन को कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि आज रैली के लिए आप लोगों का साथ दिए? नहीं, प्रशासन द्वारा क्योंकि कोविड का प्रोटोकॉल चल रहा है इसके वजह से शायद हमें अनुमति नहीं मिला गया था, लेकिन हमें एक एज अ टोकन ऑफ इसका हमें क्या कहते हैं एज अ टोकन ऑफ कर दीजिएगा इसको प्लीज़ एज अ टोकन ऑफ प्रोटेस्ट हमको ये करना था और हमने इनके बाकी हिंदू संगठन के साथ आके हमने इसको ऐड किया है। यहाँ पे हमने अपना जो योगदान जो देना था हमने इनको दिया है। धन्यवाद। सभी भाइयों बहनों को मेरी राम राम। आप सभी ने अभी सुना और आज इस रैली का आप हिस्सा बने, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज हिंदू समाज को हमने इस तरह से जगाया एक रैली के माध्यम से। जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ में अत्याचार हुआ पिछले दुर्गा पूजा के दौरान और हमने मीडिया के माध्यम से ये जो रिपोर्ट्स हैं देखी, इससे हर एक हिंदू पूरे विश्व में जो हिंदू भाई है वो आहत हुए और आज हम इन द्वीपों के लोग भी जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं आज विरोध स्वरूप हमने ये रैली निकाली और पूरी दुनिया के देश के साथ साथ पूरी दुनिया को ये संदेश देने का काम किया कि आज जहाँ भी हमारे हिंदू भाई विश्व के किसी भी देश में है, अगर वो अल्पसंख्यक की अवस्था में उनके साथ किसी भी तरह का अत्याचार होगा तो हम ये विरोध के जरिए अपना ये अपोज जताएंगे, विरोध जताएंगे कि इस तरह से हम। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।